Good morning everyone. How are you all? So in today's computer class we are going to write down the question answers in our classwork copy. ठीक है. So before that I want to tell you something कि आप लोगों को कुछ बच्चों को मैंने ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस करवा दिए थे. दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है. यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने टू थ्री सेक्शंस में करवा दिए थे एंड टू थ्री सेक्शंस आर रिमेनिंग. सो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के साथ में ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके फोटोज भेजूंगी, तो वो आप लोग मार्क कर लेना. ठीक है. नाउ इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू ओनली टीच यू हाउ टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो ओनली दैट मच वी आर गोइंग टू डू. बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. आप लोगों को क्लासवर्क कॉपी में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फ्रेश लेसन स्टार्ट करोगे, इस तरह से हेडिंग डालोगे लेसन फोर, राइट, लेसन फोर लिखोगे, देन हेडिंग डालोगे माउस. ठीक है. इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम or else I will make it in short. Draw a labeled mouse in your classwork copy. This is your homework, but what you have to write is just drawing of a mouse heading डाल के भी आप draw कर सकते हो. ये मैं आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन लिखवा रही हूँ कि ड्रॉ अ लेबल्ड माउस इन योर क्लासवर्क कॉपी. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो एक माउस का ड्रॉइंग बनाना है. ओके. तो ये इस तरह से आप लोग एक माउस बना लेना. ठीक है. देन ओके लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द माउस. ठीक है. अरे समझ में, इस तरह से माउस बनाना. और आपको क्या करना है, अब जैसे राइट हैंड वाला बच्चा होता है इस तरह से यूज करता है ना, इसी तरह से पकड़ता है, लेफ्ट हैंड वाला बच्चा इस तरह से होल्ड करता है. तो दिस इंडेक्स फिंगर विल बी ऑन राइट बटन एंड मिडिल फिंगर विल बी ऑन द लेफ्ट बटन. बट व्हाट यू हैव टू डू इज दिस इज द लेफ्ट बटन एंड दिस इज द राइट बटन. चाहे कोई भी बच्चा कोई भी हाथ यूज करे, दिस इज योर लेफ्ट बटन एंड दिस इज योर राइट बटन. सो आपको लेफ्ट बटन ऐसे लिखना है, देन यहां पे लिखना है राइट बटन, इसको वायर एंड देन दिस विल बी स्क्रोल व्हील. ठीक है. आपको फोर पार्ट्स लेबल करना है. ऑल्सो यू हैव टू कलर लेफ्ट बटन येलो. लेफ्ट बटन को कौन सा कलर करना है, येलो, और राइट बटन को रेड कलर. आ रही है बात समझ में. इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. आपको कुछ नहीं, सबसे पहले लेसन लिखोगे लेसन फोर माउस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन लिख के लिखना ड्रॉइंग ऑफ माउस. ठीक है. और उसके नीचे बड़ा सा एक माउस बनाना, बहुत बड़ा नहीं, आपके पेज के साइज के हिसाब से माउस बनाना, उसको लेबल करना एंड देन उसको कलर करना. और जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस पार्ट, दिस यू कैन लीव इट ब्लैंक. जरूरी नहीं है आप इसको कलर करो, है ना. अगर आप नहीं करते हो कलर तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, और अगर आपका बहुत मन है कलर करने का तो यू कैन डू इट. ठीक है. लेकिन I'll be suggesting you that just color left button and right button. Left or right button को ही color करना. Clear? So this will be your first question. And now moving on to the second question. Second question का आप heading डालोगे answer the following question. And then we will be writing the question answers. ठीक है. So before watching this video, आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ class में कि आपको drawing बनाना है. So make sure कि आप पहले ड्रॉइंग बनाओ माउस का, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स लिखो. ठीक है. सो द सेकेंड क्वेश्चन विल बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लिकिंग. पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज क्लिकिंग. सो क्लिकिंग से क्या पता है आपको, मैम ने क्या बताया था,
कि किसी भी बटन को एक बार प्रेस करके लीव कर देने को हम कहते हैं क्लिकिंग. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? वी प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन, वी कॉल इट क्लिकिंग. ठीक है, व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द बटन, we call it clicking. जब आप कोई भी बटन को प्रेस करके रिलीज करते हो, एक बार प्रेस करके रिलीज करते हो, उसको हम कहते हैं क्लिकिंग. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड वन, व्हाट इज मेंट बाय सिंगल क्लिकिंग एंड डबल क्लिकिंग? व्हाट is meant by single clicking and double clicking, है ना? Now इसका answer आपको पूछा है कि single clicking और double clicking से आपको क्या समझ में आता है. So a single click selects an item, sorry, pressing the left mouse button once is single clicking, pressing the left mouse button twice is called double clicking. तो इसको हमें दो तरह से लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो ऐसे लिखना आप पहले पॉइंट वन, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस is called single clicking. Then point two लिखना, same answer है बेटा, बस एक जगह once है एक जगह twice है. ठीक है, pressing the left mouse button twice is called double clicking. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंगल क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग क्या है? तो सिंगल क्लिकिंग क्या है, लेफ्ट माउस बटन को एक बार क्लिक करने को हम सिंगल क्लिक कहते हैं, और उसी लेफ्ट माउस बटन को दो बार क्लिक करने को हम डबल क्लिकिंग कहते हैं. ठीक है, तो दिस वॉज योर टू क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज. Now the third one, here is very less space, so I will remove this. First I will rub this and then I will write the third one. Okay? So I am not rubbing the second question, I am just rubbing the third one. Sorry, first one. Okay? Third one. What is the use of a single click and a double click? What is the use of single click and double click? Question mark. Answer. आपको पूछा है कि सिंगल क्लिक और डबल क्लिक का यूज क्या है. ठीक है, सो वॉट इज द यूज? अ सिंगल क्लिक सेलेक्ट्स एन आइटम एंड अ डबल क्लिक ओपन्स एन आइटम. ऐसे ही लिखेंगे हम, अ सिंगल क्लिक selects an item and a double click opens an item. ठीक है, so आपके three question answers थे इस lesson के, हमने तीनों लिख लिए हैं. Now the remaining is only your objective questions, जो मैम ने अभी नहीं लिखवाया आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं उसकी फोटोज भेजूंगी आपको, वो आप देख करके इजिली टिक मार्क कर सकते हो. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो. एवरी टाइम आफ्टर कम्प्लीटिंग द लेसन नो, यू शुड ट्राई वंस बाई योर सेल्फ टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज. एटलीस्ट द ऑब्जेक्टिव पार्ट यू कैन डू राइट, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर लर्निंग ओनली, है ना? आप जब
क्वेश्चंस फाइंड आउट करोगे तो आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे और आप खुद से जब ढूंढोगे तो आपको इजीली जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग इसे खुद से एक बार करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं फोटोज तो भेज ही रही हूँ तो उसे देख के आप कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप लोग क्लास वर्क कॉपी में पहले ड्रॉ करो, देन उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आंसर्स लिखो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन।